नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वॉच डी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल हम लोग एस एस सी जे का प्रीवियसर का सोल्यूशन कर रहे हैं। अभी जो आपका पेपर चल रहा है सोल्यूशन के लिए, वो है आपका 26 सितंबर 2019 का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर होता है, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट डे हम लोग 150 तक कर चुके थे। ठीक है, आशा करिए कि आप लोग को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई ही प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्रीपिंग इज अ टर्म रिलेटेड टू कौन सा इंस्ट्रूमेंट। क्रीपिंग किस में होता है, तो हम लोग जानते हैं क्रीपिंग होता है आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ठीक है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में क्रीपिंग एरर होता है। अब इसका कारण क्या है क्रीपिंग एरर का, देखिए क्रीपिंग एरर आपका एनर्जी मीटर में होता है, इस ये होता है आपका नो लोड पे। ठीक है, नो लोड पे होने के कारण क्या है आपका, फ्रिक्शन कॉम्पेंसेशन। ठीक है, एलुमिनियम डिस्क का जो फ्रिक्शन कॉम्पेंसेशन होता है उसके कारण होता है, डिस्क के वाइब्रेशन के कारण होता है, और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण होता है। ठीक है, या सप्लाई वोल्टेज का प्रसामान्य वोल्टेज से अधिक होने पर होती है। ठीक है, ये सब कारण है। उसके बाद इसका कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मीटर की जो चक्की मतलब जो आपका मीटर डिस्क होता है उसमें स्पिंडल के दोनों ओर मतलब बीच में जो पॉइंट होता है स्पिंडल मतलब स्पिंडल जो रहता है बीच में उसका दोनों की ओर 180 मीटर मतलब ऑपोजिट साइड में दो होल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये होल क्रिएट करने से क्या होता है आपका, वो क्रीपिंग कम हो जाता है। क्रीपिंग कम होने का कारण क्या है, इसके पीछे होल बनाते हैं तो क्या होता है, होल बनाने से आपका होल कारण जो हम लोग का टॉर्क जो डेवलप होता है क्रीपिंग के द्वारा, उसी टॉर्क को वो होल क्या करता है, ऑपोज करता है अपना खुद का एक फील्ड जनरेट करके। ठीक है, तो इसके इससे क्या होता है, हम लोग का क्रीपिंग एरर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ए क्या वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब डायनेमिकली दो टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, एक आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है और एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे क्रिएट होता है, आपका कोई फ्लक्स लाइन्स है। ठीक है, ये फ्लक्स लाइन में आपका कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर जब घूमती है यहाँ से ऐसे ऐसे करके घूमती है, घूमने का जो फ्लक्स कट होता है उस फ्लक्स कट होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम लोग डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम लोग मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम लोग भेजते हैं सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, उससे जो ईएमएफ जनरेट होता है फ्लक्स कटिंग के द्वारा, तो उसमें उसके उसमें से हम लोगों का स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका होता है इसमें मोटर और जनरेटर में। ठीक है, सॉरी मतलब आपका ईएमएफ जो जनरेट होता है जनरली आपका जनरेटर में जनरेट होता है। ठीक है, ईएमएफ और मोटर में क्या होता है, मोटर में आपका बैक ईएमएफ होता है। ये बैक ईएमएफ होता है आपका करंट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, करंट को सप्लाई करने की वजह से हम लोग जो कंडक्टर जो घूमती है, ठीक है, कंडक्टर घूमने का फोर्स बनता है। ठीक है, उसमें भी फ्लक्स को ही कट करते हैं। ठीक है, वो बैक ईएमएफ जो जनरेट होता है वो बैक ईएमएफ आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ईएमएफ पूछा है। ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर जनरेटर होगा। ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपका ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपका स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, इसमें कोई रोटेटिंग सर्किट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टैटिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ठीक है, वेरिएबल सप्लाई हम लोग देते हैं और यहाँ पे वाइंडिंग्स रहती है, वाइंडिंग्स के द्वारा हम लोग फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, dN dΦ dt कैसे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के द्वारा। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग का ईएमएफ जनरेट होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा,
ये जो इक्वेशन है ये आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है, बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर कंडक्टर घूम रही है, एल है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर ठीक है, और वी है आपका वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर मतलब किस स्पीड से आपका कंडक्टर घूम रही है, और थीटा जो है थीटा है आपका कंडक्टर के साथ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ जो कंडक्टर का जो एंगल बनता है ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल होता है आपका थीटा ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट हैज़ लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर ठीक है, अब ये सब चारों हीटिंग एलिमेंट है ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर किस किसका सबसे कम है ठीक है, वही आपसे यहाँ से बोलना है ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम जो है वो है आपका यूरेका ठीक है, अब यूरेका का कंपोजिशन क्या होता है वो होता है आपका निकेल और कॉपर ठीक है, और इसको हम लोग और भी बोलते हैं कॉन्स्टेंटाइन ही कहते हैं इसको ठीक है, इसका टेम्परेचर 450 या 400 कुछ इसके आसपास ही होता है ठीक है, सबसे कम मात्रा का ऑपरेटिंग टेम्परेचर यूरेका का है ठीक है। उसके बाकी सबको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है, कांथल ठीक है, कांथल ग्राफाइट और नाइक्रोन तीनों को हम लोग देखते हैं क्या क्या है ठीक है, कांथल ग्राफाइट और नाइक्रोन देखिए, कांथल ग्राफाइट और नाइक्रोन ठीक है, तो कांथल का जो है वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होगा, कांथल का आपका होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है आपका, लोहा फेरस क्रोमियम और एल्युमिनियम ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्राफाइट, ग्राफाइट का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तो आपका कार्बन का होता है ठीक है, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है, कार्बन का होता है। उसके बाद आता है आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है, और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, निकेल और क्रोमियम, और कभी कभी बहुत कम मात्रा में इसमें लोहा भी दे दिया जाता है ठीक है, Fe। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं रहे तो भी आपका इससे काम हो जाएगा ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में Fe भी दिया जाता है ठीक है, बहुत कम मतलब 2% या मैक्सिमम 3% का लोहा इसमें रहता है, बाकी टोटल इसमें निकेल या क्रोमियम रहता है ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा ठीक है, ये तीनों ऑपरेट टेम्परेचर और कंपोजिशन ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा ठीक है, इसमें आपको वही चीज़ दिया हो जो मैंने बोला, आप लोग पॉज करके एक बार देख लीजिएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टू कॉइल्स आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, अब के हम लोग को निकालना है और मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉयल है ठीक है, अब मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉयल है मतलब दोनों में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, इसलिए उसको मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कहा जा रहा है ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है मतलब आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एम इक्वल्स टू के रूट ओवर ऑफ L1 L2, अब हम लोग का L1 और L2 तो जीरो नहीं हो सकता, ये आपका कॉन्स्टेंट है तो हम लोग का के को ही जीरो होना पड़ेगा तभी जाकर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होगा ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है, और इक्वल टू 1 कब होता है, जब आपका क्रिटिकली कपल्ड होता है ठीक है, लेस देन 1 होता है आपका नॉर्मली कपल्ड होता है ठीक है, और आपका ये तो होगा नहीं ठीक है, लूजली कपल्ड होता है ठीक है, नॉर्मल नहीं मतलब लूजली कपल्ड होता है आपका लेस देन 1 ठीक है, इक्वल होता है क्रिटिकली कपल ठीक है, और इक्वल जीरो होता है आपका आइसोलेटेड मैग्नेटिकली आइसोलेटेड ठीक है कॉइल ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए।
पॉज करके आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कनेक्टेड लाइट लोड इन ए हाउस इज 300 वाट एंड पावर सब सर्किट लोड इज 600 वाट, ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सब सर्किट्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लाइट लोड सब सर्किट है, लाइट लोड कितना लगा हुआ है 3000 वाट, ठीक है, और पावर सब सर्किट कितना लगा हुआ है 6000 वाट, ठीक है, और सब सर्किट का संख्या आप लोगों को बताना है। देखिए आपका चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन चारों में से कोई सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का लाइट लोड में 3000 वाट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पावर सब सर्किट में 6000 वाट, ठीक है। अब देखिए लाइट लोड में आपको दो कंडीशन में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक लाइट लोड में आपका, एक लाइट लोड देखिए, लाइट लोड सब सर्किट, ठीक है, सब सर्किट इतना नहीं लिख रहा, लाइट लोड देख के समझ जाइएगा क्या लिखा है, ठीक है, लाइट लोड और एक है पावर लोड सब सर्किट, ठीक है, लाइट लोड और पावर लोड सब सर्किट। लाइट लोड में आपका जो एक सब सर्किट का जो रेटिंग होता है वो होता है आपका 800 वाट, ठीक है, 800 वाट, और मैक्सिमम आपका 10 पॉइंट्स हो सकता है उसमें, ठीक है, 10 आउटलेट्स जहाँ पे हम लोग प्लग लगाते हैं उसको हम लोग आउटलेट कहते हैं, ठीक है। और इसमें पावर सब सर्किट में आपका 3000 का रेटिंग होता है, ठीक है, 3000 वाट का एक सब सर्किट का, और उसमें हम लोग मैक्सिमम 2 आउटलेट रख सकते हैं, ये आपका IE रूल्स के हिसाब से, ठीक है, IE रूल्स, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइट सब सर्किट के लिए 800 और 10 पॉइंट मैक्सिमम, पावर सब सर्किट के लिए 300 वाट और 2 पॉइंट मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना हम लोग का सब सर्किट का संख्या यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में सब सर्किट का संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, जो आपका लाइट लोड का रेटिंग दिया है उसको हम लोग 800 से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ लाइट लोड सब सर्किट का संख्या निकल जाएगा, और पावर सब सर्किट का जो रेटिंग दिया हुआ है उसको हम लोग 3000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का पावर सब सर्किट का संख्या हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो लाइट लोड का सब सर्किट का रेटिंग दिया हुआ है 300, तो मैंने क्या बोला इसको हम लोग 800 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 800 से डिवाइड किए तो हम लोग का कितना है 3.75। तो अब 3 तो नहीं रख सकते क्योंकि 3 तो कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे और सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी है या एस ऑफ यूज़ के लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम लोग का आपका लाइट लोड सब सर्किट का 4 संख्या होगा, ठीक है, सब सर्किट, और एक सब सर्किट में मेरा कितना बोला था मैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट, मतलब 4 सब सर्किट में आपका मैक्सिमम 40 पॉइंट तक हो सकता है, ठीक है, 40 आउटलेट, ठीक है। और पावर सब सर्किट में क्या है आपका रेटिंग है 6000, तो मैंने क्या बोला उसको 3000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक एक सब सर्किट का रेटिंग 3000 वाट होता है, ठीक है, तो आपका 2 निकल जाए, मतलब 2 सब सर्किट होगा, ठीक है, 2 सब सर्किट, सब सर्किट, ठीक है, और 2 सब सर्किट में एक एक सब सर्किट में आपका 2 पॉइंट मैक्सिमम, मतलब 2 × 2, 2 सब सर्किट में आपका 4 पॉइंट, मतलब 4 आउटलेट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आउटलेट का तो यहाँ बात नहीं हो रहा है, हम लोग का 2 सब सर्किट का यहाँ बात क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ पे 2 सब सर्किट हम लोग को है चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 2, मतलब टोटल हम लोगों का लाइट लोड और पावर सर्किट दोनों मिला के हम लोग का नंबर होगा 6, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे अगर आपका 6 रहता कोई भी ऑप्शन में तो वो आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब इस बार भी आ सकता है, ठीक है, कुछ इसी तरह ये क्वेश्चन शायद नहीं आया लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में सबका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द इनपुट फॉर ए कॉन्डेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट कम्स फ्रॉम
एन, ठीक है। तो स्टीम पावर प्लांट में हम लोग का जो कंडेंसर होता है आपका, जो स्टीम आपका टरबाइन को घुमा देती है, घुमाने के बाद जो स्टीम बाहर निकलती है उसी स्टीम को हम लोग कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर वो वाटर में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर, ठीक है। और मैंने क्या बोला, स्टीम टरबाइन से बाहर आ रहा है, वही स्टीम को हम लोग कंडेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में। तो कहाँ से आ रहा है, टरबाइन से आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर यही पूछा है, कम्स फ्रॉम एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टरबाइन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बाकी तीनों का ऑपरेशन क्या है, तो इकोनोमाइजर का जो ऑपरेशन होता है, अच्छा सबसे पहले आप लोग को एक बार फोटो दिखा देता हूँ मैं, ठीक है आपको। पावर प्लांट का कनेक्शन डायग्राम, मतलब सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है, सीमेटिक डायग्राम जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, कॉन्डेंसर। कॉन्डेंसर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। ये यह कॉन्डेंसर आ कहाँ से रहा है, कॉन्डेंसर आपका आ रहा है, ये देखिए टरबाइन से आ रहा है, ठीक है। टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम है, मतलब जो बाहर निकला हुआ स्टीम है, वो आपको कॉन्डेंसर में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपका तीन चीज़ और था, एक था इकोनोमाइजर, एक था सुपर हीटर और एक था आपका कंडेंसर, सुपर हीटर और एयर प्रीहीटर था शायद, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का चीज़ हम लोग को बता दो क्या क्या काम है, ठीक है। देखिए इकोनोमाइजर जो होता है आपका, इकोनोमाइजर क्या करता है, आपका फ्लू गैस जो होता है, फ्लू गैस मतलब जो आपका बॉयलर में ये जो हीट होता है, ठीक है, बॉयलर में हीट होने के बाद जो आपका गैस बाहर निकलता है, ये देखिए फ्लू गैस, ठीक है। वही फ्लू गैस के मदद से आपका यहाँ से जो वाटर जो आता है, ठीक है, यहाँ से इधर से कॉन्डेंसेटर आता है पानी, ये पानी अब इकोनोमाइजर में घुसता है, इसी फ्लू गैस के हीट के मदद से उसी पानी को हीट करता है, ठीक है। हीट करने के बाद आपका फिर वो बॉयलर के थ्रू आपका चल जाता है सुपर हीटर में। सुपर हीटर में आपका और भी ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कम से कम 540 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। उसमें फिर से तेज को सुपर हीट करके उसको हम लोग भेज देते हैं टरबाइन में, ठीक है। फिर वो वापस फिर आपका एग्जॉस्ट स्टीम बन के आपका कॉन्डेंसर में जाता है, ऐसे करके आपका साइकिल चलता रहता है, ठीक है। फ्लू गैस क्या होता है, फ्लू गैस आपका बॉयलर में कोल बर्न होने के बाद जो वहाँ से गैस निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है। और बाकी बचा आपका एयर प्री हीटर, ठीक है। एयर प्री हीटर क्या करता है, एयर प्री हीटर करता है आपका जो कोल जो होता है, कोल डस्ट जो होता है, जो डस्ट आता है आपका कोल बॉयलर में, उस कोल डस्ट का यहाँ से देखिए हॉट एयर जो है, हॉट एयर फ्लो करता है। कोल डस्ट कोल हैंडलिंग प्लांट में कोल आता है, उसमें हॉट एयर फ्लो करके कोल से आपका मॉइस्चर को बाहर निकाल देता है, ठीक है। एयर प्री हीटर होता है, ठीक है। तो ये है आपका काम एयर प्री हीटर का, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, यहाँ पर मेन आप लोग क्या देखना था, कॉन्डेंसर कहाँ से कनेक्टेड है, मतलब कहाँ से उसमें स्टीम आ रहा है, तो ये आपका टरबाइन से आ रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये आप लोग तो एक बार देख लीजिएगा, मेन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पे, देखिए कूलिंग टावर यहाँ पे होता है, कूलिंग करने पानी कूलिंग करने के लिए एक कॉन्डेंसर से पानी यहाँ पे आता है, गर्म पानी यहाँ पे ठंडा होकर फिर वापस आके ऐसे करके आपका इकोनोमाइजर में चला जाता है, ठीक है। ये है आपका चिमनी, ये है आपका पूरा स्विच गियर, मतलब जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक से ऑल्टरनेटर है आपका, यहाँ देखना तो यहाँ से आपका करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यह कोल हैंडलिंग प्लांट है, ऐश हैंडलिंग प्लांट है, ठीक है। और ये सब तो फर्स्ट ड्राफ्ट फैन होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बस इतना ही देखना है आपको, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी इतना कुछ खास आता नहीं है यहाँ से, जो चीज़ दो तीन चीज़ जो यहाँ पे है वही सब आता है, ऑपरेशन बस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या था आपका, इकोनोमाइजर काम मैंने बता दिया, एयर प्री हीटर भी बता दिए, सुपर हीटर भी बता दिए, और बाकी बचे टरबाइन, टरबाइन भी आपका हो गया, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग पॉज करके, ठीक है। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
ऑपरेट्स एट बेटर पावर फैक्टर एट फुल लोड, मतलब फुल लोड पे यहाँ पे चार मोटर में कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मतलब सबसे अच्छा पावर फैक्टर पे ऑपरेट कौन सा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें आपका लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लीकेज रिएक्टेंस के कारण और मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है आपका ज़्यादा लगता है, इसी कारण से आपका लो पावर फैक्टर में ऑपरेट करता है। ठीक है, ये रनिंग कंडीशन में, ये भी, ये तीनों। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर रन, मतलब कैपेसिटर के साथ रन कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, मशीन का, तो इसलिए वो फुल लोड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेडेड पोल में सबसे लोएस्ट पावर फैक्टर रहता है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, तीन नंबर पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, और चौथे नंबर पे आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। ठीक है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर इस यही वाले मशीन का होता है। ठीक है, चलिए एक बार आंसर देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ए जीरो सेंटर्ड वोल्ट मीटर हैज ए स्केल फ्रॉम फाइव माइनस फाइव वोल्ट टू फाइव वोल्ट, देन द स्पैन ऑफ इट इज जीरो सेंटर्ड क्या होता है, मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था। जीरो सेंटर्ड होता है आपका बीच में, आपका जो स्केल होता है वोल्ट मीटर का उसमें बीच में आपका जीरो होता है। ठीक है, इधर आपका नेगेटिव होता है और इधर आपका पॉजिटिव होता है, मतलब माइनस वन माइनस टू। ओके, इसको मैं अलग से दिखाता हूँ, देखिए जो ज़ीरो सेंटर्ड होता है आपका, ठीक है, उसका स्केल कुछ ऐसे होता है। ठीक है, देखिए इसके बीच में होता है आपका ज़ीरो, यहाँ पर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, और इधर वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और इसमें दो चीज़ होती है आपका, एक होता है रेंज और एक स्पैन होता है। ठीक है, स्केल में रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, रेंज है आपका ये माइनस फाइव टू फाइव। ठीक है, और स्पैन क्या होता है, स्पैन होता है आपका जो स्केल का फर्स्ट वैल्यू है वहाँ से लास्ट तक का कितना आपका रेंज होता है। ठीक है, मतलब स्पैन मतलब कितना होता है। ठीक है, नंबर हिसाब से टोटल, तो इसको स्पैन कैसे हम लोग निकालेंगे, स्पैन को निकालेंगे हम लोग बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू जो है आपका माइनस फाइव। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू टेन, आपका स्पैन हो जाएगा आपका टेन। ठीक है, समझ गए आप लोग स्पैन कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो आपका स्केल का सबसे बड़ा वैल्यू है उससे माइनस सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जीरो मत डाल दीजिएगा इस जगह पर, क्योंकि आपका छोटा वैल्यू यहाँ पर माइनस फाइव है। ठीक है, इसलिए फाइव माइनस माइनस फाइव इक्वल्स टू टेन। ठीक है, और रेंज है आपका सबसे छोटा वैल्यू से सबसे बड़ा वैल्यू का नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, मतलब जो है बस उतना ही, और स्पैन है आपका टोटल रेंज, मतलब कितना टोटल में है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर कितना है, दस होगा इन सब से आंसर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर रेंज आपका माइनस फाइव टू फाइव होगा। ठीक है, और स्पैन होगा आपका टेन वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए द शेड्यूल्ड स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज, अब शेड्यूल स्पीड और दूसरा आपका एवरेज स्पीड, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए एवरेज स्पीड होता है आपका, देखिए
आपका जो टोटल आपका डिस्टेंस है, मानिए आपका जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, बीच में आपका डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर, ठीक है, मान लेते हैं 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, मतलब मेरे को कितना टाइम लग रहा है, मतलब ट्रेन के चलते वक्त आपको स्टॉपेज काउंट नहीं करना है कि कितना देर रुका कोई स्टेशन में, उसको आपको काउंट नहीं करना है, पर जितना देर ट्रेन चला है, ठीक है, उतने को आपको लिखना है, ठीक है। मानिए यहाँ पे आपका कितना हुआ, मानिए आपको 10 घंटा लगा, ठीक है, यहाँ पे पहुँचने में, ठीक है, इतना काम तो जाता नहीं, फिर भी मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए पकड़ लेता हूँ कि 10 घंटे में आपका ट्रेन पहुँच गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था ट्रेन का, ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, एवरेज, ठीक है, ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। और एक होता है शेड्यूल स्पीड, शेड्यूल स्पीड क्या होता है जल्दी देखते हैं, शेड्यूल स्पीड, ठीक है, शेड्यूल स्पीड क्या होता है, शेड्यूल, शेड्यूल स्पीड, ठीक है, शेड्यूल स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का नॉर्मली टाइम लगा ट्रेन को जाने में चलते वक्त, प्लस आपका स्टॉप जहाँ जहाँ ट्रेन रुकी थी उसको भी हम लोग काउंट करना है, ठीक है। तो मानिए आप लोगों का हॉल्ट था बीच में आपका 2 घंटे का, ठीक है, जितना स्टेशन पर रुकी सब काउंट ऐड करके हम लोग का 2 घंटे का स्टॉपेज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2000 किलोमीटर बाय 12 घंटा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, जो होगा आपका देखिए कितना होता है आपका 12, ओके, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, तो ये आपका होता है 166 किलोमीटर, ठीक है, 166 किलोमीटर लगभग, ठीक है, 166 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग का शेड्यूल स्पीड जो है आपका एवरेज स्पीड से लेस देन हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि हम लोग का जो स्पीड था उसमें हम लोग बस इसको ऐड कर दिए, आपका जितना स्टॉपेज था उसको ऐड करने से हम लोग का शेड्यूल स्पीड जो है आपका घट गया, मतलब 166 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही पूछा है आपका कि शेड्यूल स्पीड जो होता है आपका एवरेज स्पीड से ज़्यादा होता है कि कम होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका शेड्यूल स्पीड जो होता है आपका एवरेज स्पीड से कम होता है, ठीक है, ऑलवेज लेस देन एवरेज स्पीड, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन। हाँ देखिए ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए फॉर ए थ्री, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्लीप एट नो लोड और स्लीप एट फुल लोड क्या होगा, ठीक है, तो देखिए स्लीप एट नो लोड, अगर स्टॉक स्लिप्स कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कुछ इस तरह होता है, इस तरह होता है ना, तो यहाँ पे आपका स्लीप, यहाँ पे आपका होता है 0 और यहाँ पे स्लीप होता है आपका 1, ठीक है, तो हम लोग नो लोड और फुल लोड के बीच में आपका रेशियो बताना है। अब फुल लोड में आपका नॉर्मली जो स्लीप होता है आपका SFL जो होता है, फुल लोड स्लीप आपका जनरली आपका 0.2 के आसपास होता है, ठीक है, 0.2 या 0.4 तक, ठीक है, और आपका जो नो लोड स्लीप होता है आपका, नो लोड स्लीप में स्पीड ज़्यादा होगा तो स्लीप भी आपका कम होगा, क्योंकि स्पीड नो लोड स्पीड, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, NS-NR बाई NS इक्वल्स टू स्लीप, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रोटर का स्पीड आपको ज़्यादा होगा तो आपका स्लीप भी कम होगा, ठीक है, रोटर का स्पीड ज़्यादा होगा, नॉर्मल है, नॉर्मल बात है, तो आपका स्लीप कम होगा, तो स्लीप अगर कम होगा, ठीक है, स्लीप अगर कम होगा तो ये एस
एन एल नियरली इक्वल्स टू आपका जीरो होगा, जीरो या 0.001 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा था, रेशियो था आपका एस एन एल स्लीप नॉन लोड बाय स्लीप ऑफ फुल लोड, यही आपका रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे 0.001 बाई 0.1, या हम लोग इसको 0.2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये हमेशा लेस देन वन ही होगा, ठीक है, ये आपका लेस देन वन होगा, और ये हमेशा ही लेस देन वन होता है, क्योंकि आपका जो नो लोड स्लिप होता है आपका ज़ीरो के आसपास होता है, एकदम ज़ीरो के आसपास होता है, ठीक है। ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि आपका स्लिप रहता है आपका इंडक्शन मोटर में, इसलिए आपका ज़ीरो कभी नहीं होगा, लेकिन नियर टू ज़ीरो होगा। और जो फुल लोड स्लिप होगा आपका नॉर्मली आपका ये रेंज रहता है, ठीक है, फुल लोड स्लिप का। तो हमेशा देखिए नीचे डिनोमीटर आपका ज़्यादा ही होगा आपका नो लोड से, ठीक है, तो इसलिए आपका लेस देन वन होगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो एक्सप्लेनेशन किया मैंने इसको एक बार ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो नो लोड स्लिप से आपका फुल लोड स्लिप क्या होगा, देखिए आपका ऑलवेज लेस देन वन होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर एक बार आपका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो हम लोग 160 तक कर लिए आज, ठीक है। आशा करें आप लोग सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, सब तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।